पाली के एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने गुरुवार को जेतान थाने के एक कांस्टेबल को 4,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रिश्वत परिवादी के चोरी के केस में नहीं फंसाने और हल्की धारा लगाने का डर दिखाते हुए ली। पाली एसीबी निरीक्षक पदम पाल ने बताया कि नागौर जिले के जशनगर रिया बड़ी हाली जेतान के फौजी चौराहे रहने वाले दिनेश पुत्र सत्यनारायण माली ने एसीबी में शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि 14 दिसंबर 2022 को उसे और उसकी पत्नी सायता देवी को जेतान पुलिस चोरी के मामले में पकड़कर थाने लाई। चोरी का झूठा आरोप लगाकर उससे मारपीट की तथा थाने में 4 दिन बंद रखा। उसके बाद परिवादी दिनेश को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पाबंद करके छोड़ दिया गया। उसके बाद उसे चोरी के मामले में नहीं फंसाने और हल्के कागजात बनाने के एवज में जेतान थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश ने 20,000 रुपये की मांग की। सौदा 10,000 में तय हुआ। एसीबी के सत्यापन के बाद परिवादी को 6,000 रुपये कांस्टेबल दिलीप को दिए। शेष 4,000 की राशि आज परिवादी कांस्टेबल दिलीप को देने के लिए वहां भेजा गया। इस दौरान पहले से ही तैनात एसीबी की टीम ने जेतान थाने में तैनात अलवर जिले के मीनो की डाणी उद्योग का बास निवासी कांस्टेबल दिलीप सिंह को 4,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और रिश्वत की राशि कांस्टेबल के शर्ट के जेब से बरामद की गई। जोधाना अब तक न्यूज के लिए पाली से मनीष राठौड़ की रिपोर्ट। ये परिवादी था दिनेश कुमार, जो जैतारण में रहता है। उसने एक ब्यूरो कार्य उपस्थित होकर श्रीमान एडिशनल साहब को रिपोर्ट पेश की थी और 1064 जो हमारे एसीबी की हेल्पलाइन है वहाँ से हमारे को ये कार्यालय से आवश्यक कार्रवाई हेतु ये रिपोर्ट हमारे पास आई थी, जिस पर हमने इसकी मांग का सत्यापन करवाया। इसने आरोप लगाया था कि दिलीप सिंह मीणा करके कांस्टेबल है जैतारण थाने में, वो मेरे से चोरी के मुकदमे में झूठा फंसाने को लेकर के मेरे से 10,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, जिस पर हमने परिवादी को भेजकर और मैंने स्वयं ने मांग का सत्यापन करवाया, जिसमें इसने मांग सत्यापन में 6,000 रुपये प्राप्त किए अलग अलग किस्तों में। आज दिनांक 22 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए 4,000 जो 10,000 में से बाकी बचे थे वो रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों कांस्टेबल दिलीप कुमार दिलीप सिंह मीणा को ट्रैप किया है। इसमें कोई और सम्मिलित है इनके साथ कोई? वो हम आगे की जाँच कर रहे हैं, जो भी क्लियर होगा आपको बता दिया जाए।